नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वाले में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज चेक किए होंगे कि आप लोगों को कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए BMS काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अभी आप लोगों की काउंसलिंग चली हुई है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज देखने को मिलती है, और BMS का जो स्कोप है वो भी कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें अगर BMS में लोएस्ट पैकेज की, तो आप लोगों को कर्नाटका या केरला के अंदर या फिर और कॉलेज की बात करें तो 10,000 में भी पर ईयर आप लोगों की फ़ीस होती है, और किसी की 15,000 भी फ़ीस होती है, तो किसी की 4 लाख पर ईयर की फ़ीस भी ली जाती है BMS के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, आप लोगों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है। अगर आप लोगों का काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आता है, तो आप लोगों को जो पैकेज दिखाए जा रहे हैं वही आप लोगों के पैकेज होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मैक्सिमम 1 लाख पर ईयर की फ़ीस होगी, उससे ज़्यादा फीस नहीं होगी। लेकिन बात करें अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, यानी हाईएस्ट पैकेज ऑफ मेडिकल कॉलेज की, तो आप लोगों की जो फीस है वो 2 से 3 लाख तक आप लोगों की वेरी करती है, यहाँ तक कि 4 लाख भी वेरी होती है, किसी किसी में 5 से 6 लाख भी आप लोगों की फ़ीस होती है। तो इस तरीके से आप लोगों की मेडिकल कॉलेज की फ़ीस ली जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं कर्नाटका को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आप लोगों की वेबसाइट है जिसमें देखिएगा, आप लोगों की जो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है वो मैक्सिमम आप लोगों की 1,90,000 ही ली जा रही है, यानी आप लोगों के ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की फ़ीस यहाँ BMS में देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया जो BMS का पैकेज जाते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया जो BMS कंडक्ट कराई जाती है, वो कर्नाटक के अंदर ही कंडक्ट कराई जाती है। यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे जो BMS यानी बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन में महारत हासिल किए हुए हैं। साथ में बात करें तो आप लोगों की जो मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ आप लोगों को डिफरेंट पैकेज देखने को मिलेंगे। आप लोगों की बात करें, देखिए, आप लोगों को और कोई मेडिकल कॉलेज 2.5 लाख आप लोगों की पर ईयर की फ़ीस ले रहा है, तो आप लोगों को जो वेबसाइट पर फीस मिल रही है, इससे भी कम फीस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं नीट के अंदर, क्योंकि आप लोगों को देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नीट से स्कोरिंग मार्क्स बहुत बेहतर होते हैं, बस उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो अगर बात करें तो एक कैंडिडेट के 300 मार्क्स हैं और एक कैंडिडेट के 200 मार्क्स हैं, तो 300 कैंडिडेट वाला मार्क्स आप लोगों को 2,50,000 देने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ कंसेशन मिल जाता है फीस से रिलेटेड, तो उनकी फ़ीस कम हो जाती है। और ये कंसेशन मिलता है, ये आप लोगों को डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज से नहीं मिलेगा, आप लोगों को काउंसलिंग के थ्रू ही या किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही ये कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल कॉलेज को। वहीं बात करें 200 में जिसके मार्क्स हैं उसको भी कंसेशन मिल सकता है, बेशर्ते वो उसको जो है जो भी काउंसलिंग एजेंट से वो आप लोग काउंसलिंग करा रहा है वो आप लोग को बेहतर पैकेज प्रोवाइड करें। तो आप लोग किसी ऐसे पैकेज के थ्रू मत जाइए, अगर डायरेक्ट आप लोग मेडिकल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को कुछ हायर पैकेज देखने को मिलते हैं, बल्कि आप लोग अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो आप लोगों को लोएस्ट पैकेज देखने को मिलेंगे। आप लोग वेबसाइट पर उसकी फ़ीस पैकेज चेक कर सकते हैं, कंसल्टेंट का फीस पैकेज चेक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही जाइए किसी मेडिकल कॉलेज में। आप लोगों को स्क्रीन पर देखिए एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए इस नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोगों को कंसल्टेंट एक बेहतर कंसल्टेंट है जो आप लोगों को सभी जगह ऑल ओवर इंडिया से आप लोगों को बेहतर कॉलेज की फ़ीस प्रोवाइड करा सकता है, और बहुत सारी कंसल्टेंसी का भी इनके पास नंबर है जो आप लोगों को डिफरेंट पैकेज प्रोवाइड करा सकते हैं BMS के अंदर या फिर MBBS के अंदर, जिसमें भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। बसरते आप लोगों का टाइम पैकेज बहुत कम बचा हुआ है आप लोगों का, और मोस्टली कॉलेज की जो है फीस भी कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोगों को अगर आप लोग रिलेटिव्स को आप लोग BMS करना चाहते हैं, मेडिकल में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग बसरते कॉल कर सकते हैं, आप लोग चेक करा सकते हैं क्या पैकेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग को देखिए, आप लोगों की जो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है, किसी कॉलेज के अंदर आप लोगों का 10 लाख का पैकेज होता है तो किसी के अंदर 12 लाख का पैकेज होता है। अभी जो मिनिमम प्राइवेट कॉलेज का पैकेज चला हुआ है वो 10 लाख चला हुआ है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर आप लोगों को 20 लाख या 25 लाख तक का पैकेज लिया जा रहा है। तो आप लोग बचिए उन कॉलेजों से, कि आप लोगों को BMS के अगर आप लोग ज़्यादा रुपये देकर करते हैं तो देखिए आप लोगों का ही उसमें नुकसान है, क्योंकि आप लोगों को सेम डिग्री आप लोगों को डिफरेंट कॉलेज से करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा ही, ज़्यादा पैकेज देखने को मिलेगा ही। लेकिन बात करें पढ़ाई से रिलेटेड, आप लोगों की ये सभी एफिलेटेड कॉलेज हैं, आप लोग राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई मेडिकल के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी BMS के अंदर आप लोगों को कॉलेज दिखाए जा रहे हैं इस वेबसाइट पर, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। आप लोग इस वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं कोई भी मेडिकल कॉलेज, अगर आप लोगों को कोई भी मेडिकल कॉलेज चाहिए उसकी आप लोगों को फीस पूछना चाहते हैं और आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप लोगों को एक अच्छा पैकेज देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई और अगर अदर कॉलेज में एडमिशन लेना है, अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल कोर्सेज में आप लोगों को कोई भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आप लोगों से रिस्पॉन्स करेगी इस बात को लेकर। आप पिछले साल मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी इससे रिलेटेड, और बहुत सारे कॉलेज कैंडिडेट का एडमिशन भी कराया था,
तो आप लोग भी जुड़िए, आप लोगों को भी एक अच्छा पैकेज देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों।